एक लाजवाब टेस्ट आपसे दूर रहेगा। और खाने के बाद 10 लोग को लेकर नहीं आना, इसकी मैं भी गारंटी दे रहा हूँ। आज खाओ, 2 साल के बाद आकर खाओ, वही टेस्ट वही क्वालिटी में नहीं रहा। खाना खाओ और पैसा बिना दिए जाओ। जानकारी नहीं था लेकिन जब खाए तो बहुत अच्छा लगा। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। इस वक्त हूँ मैं धनबाद के बैंक मोड़ में और कुछ यहाँ पर अलग मैंने आज ट्राई किया है जो कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो जो सामने शॉप दिखाई दे रहा है ये है दबेली सेंटर। यहाँ आपको मिलेगी गुजरात की फेमस दबेली। ये दबेली पूरे गुजरात में फेमस है और इसे ये जो भैया सामने दिखाई दे रहे हैं ये बनाते हैं धनबाद में। और यहाँ आपको दबेली के अलग अलग फ्लेवर भी मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला इनका चॉकलेट वाला दबेली है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे धनबाद जिला, रांची, देवघर, झारखंड देख लो, नहीं मिलेगा ये टेस्ट। तो भैया कह रहे हैं कि पूरे स्टेट में इनके जैसा टेस्ट कोई नहीं दे पाएगा। खाने के बाद अगर शिकायत करो पैसा वापस लेके जाओ। ये क्या डालते भैया? ये जो लहसुन मिर्च की चटनी आती है ये इन्होंने भैया बोला कि बिना अनार बिना बादाम वाला देने के लिए, ये इनका सिंपल बन रहा है। नहीं, पॉमीग्रेनेट है, ये स्टफिंग तैयार होती है। बोल तो दिया गलती से, अगर टच नहीं किए तो मिस्टेक आप करोगे, मैं नहीं। एक लाजवाब टेस्ट आपसे दूर रहेगा। और खाने के बाद 10 लोग को लेकर नहीं आना, इसकी मैं भी गारंटी दे रहा हूँ। भैया चैलेंज दे रहे हैं आपसे। मैं कस्टमर से चैलेंज सुनवाता हूँ, ये मेरे कस्टमर। भैया कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। पूरे धनबाद जिला में ऐसा कोई टच आपने खाया? किसको किसको लेकर खाया? बहुत को लेकर आया आप भैया? आप तो टीचर है ना, काफी दिन से शिकायत। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 4 साल प्लस हो गया इनका। ये अंकल घर ले जाते अपने बच्चियों के लिए। पूछे तो अंकल कोई शिकायत? उंगली चाटने में मजबूर कर दूंगा भैया। नॉर्मल देना ना आपको। वो जानते भी है कि इनकी दुकान कितनी पुरानी है और कब से यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था? 2014 को फेब में मैंने ओपन किया था ये शॉप। अच्छा। और आज देख सकते हैं 2022 समथिंग सेप्टेम्बर चल रहा। यहाँ आने का फुल एड्रेस बता दीजिए आप। कुछ नहीं, बैंक मोड़ धनसार जाने वाली एक रोड है, झरिया जाने वाली। अच्छा। नीचे ओजन प्लाजा मॉल है। ओजन प्लाजा मॉल के जस्ट अपोजिट, मतलब थोड़ा सा और आप झरिया रोड में बढ़ोगे तो धोवा टाड़ शास्त्री नगर नाम का जगह। अच्छा। आप किसी से भी पूछ लो कोई दुकानदार से दाबेली सेंटर कौन है, बता देंगे। बच्चा बच्चा बता देगा। अच्छा, क्या खास होता है आपकी दाबेली में? ये तो खाने के बाद ही पता चलता है। खींचे चले आओगे तो मतलब कुछ तो होता हुआ फ्लेवर अलग, क्या क्या होता है, कौन कौन से फ्लेवर? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का ये बाप है, यानी सेकंड वाला, ये उससे भी बेहतर है। ये पिज्जा को बीट करता है, 45 जो है पिज्जा को बीट करता है। पिज्जा खा के रहो 300-400 वाली, मेरे ये 45 वाला खाओ, पिज्जा को बीट कर देगा। अब हम भी ट्राई करते हैं और जानते हैं भैया, हमारे लिए भी लगाइए। ये क्या? ये बादाम है, ये पोमीग्रेनेट है, ये अनियन है, फ्रेश अनियन। उसके बाद ये गया भुजिया, ये मैंने कट लगाया, फिर मैंने ऊपर से प्याज डाला। और इसे आप सोचना मत, ये डबल डबल डाल रहा था, कैसा फील होगा, फ्लैट कर दूंगा। गलती कर लेना कभी, कोई हो, एनीवन पीपल, जो BMW से घूम रहा हो सर, या अदरवाइज कोई साइकिल से चल रहा हो, या कोई बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट में खा रहा हो। मेरे शॉप में है ना, साउथ अफ्रीका से भी लोग आए हुए हैं खाने के लिए, और US, कनाडा, ये सब के बहुत लोग हैं जो खा चुके हैं मेरे। तो ये आ गया हमारे हाथ में दबेली। मैं शायद झूठ बोलूं, भैया खा के खुद आपको फ्लेवर बताएंगे। हाँ। तो हम अब इसे ट्राई करते हैं और करते हैं इसका रिव्यू। तो मेरी यही चैलेंज है, अच्छा ना लगे तो बिना पैसा दिए जाओ, रोकूंगा नहीं। ये मेरे हाथ में है दबेली और भैया ने वेरी स्पेशल बनाया है। इसमें अनार है, बादाम है, बटर से ही पूरा फ्राई किया हुआ है। रुका नहीं जा रहा है, अब जल्दी से इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है।
बताऊँ यार, दिल खुश कर दिया भैया ने। अभी बादाम और वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सच बताऊँ तो मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया था आज तक। सही में अलग है, क्रंची सा स्वाद है, काफ़ी कुछ अलग लग रहा है। आम और अनार और भुजिया जो कॉम्बिनेशन है ना, वो काफ़ी अलग लग रहा है, और अभी तक मैंने ऐसा बर्गर ट्राई नहीं किया था कभी। अच्छा लगा खा के, मतलब सच में मैंने ऐसा बर्गर ट्राई नहीं किया था आज से पहले। चलो तो पहले जानकारी नहीं था, लेकिन जब खाए तो बहुत अच्छा लगा कि इतना कम पैसा में हम लोग पेट भर जाता। टाइमिंग क्या है शॉप की? सर 9:57 से शॉप ओपन हो जाती है, और नॉन स्टॉप रात 10 बजे तक की टाइमिंग है। अच्छा, अगर कस्टमर आते हैं तो 10:30 बजे तक भी मैं रुक सकता हूँ, 11 बजे तक भी मैं रुक सकता हूँ, अगर मेरा मसाला बचा है तो। अच्छा, बैंक मोड में है भैया की दुकान, मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जितने लोग धनबाद से देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ एक बार विजिट कर लेना। और काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रश होता है शाम के टाइम पे यहाँ पे, और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होगी आप, एकदम आओ यहाँ पे। और इनके कुछ अलग अलग स्पेशल यहाँ पे कैटेगरी है दबेली के, वो आप ट्राई कर सकते हो। कम प्राइस में आपको एक अच्छा बर्गर मिल जाता है यहाँ पर भैया की दुकान पे। आज के ब्लॉग में इतना ही था, और बाकी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी यार, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।